नमस्कार, सूचना के साथ स्वागत करता हूं आपका। कल यूजीसी नेट ने अपने प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां दे दी है, अर्थात नेट की तिथि दे दी है। उसको लेकर वीडियो भी बनाया और उसके बाद एक वीडियो और बनाया यूनिवर्सिटी और राजस्थान गुजरात का, जिसका इंटरव्यू का और एंट्रेंस का शेड्यूल नेट के एग्ज़ाम की डेट से क्लैश कर रहा था। उसी कड़ी में एक और विश्वविद्यालय लेकर आया हूँ आपके लिए, जहाँ की इंटरव्यू की डेट NTA नेट के एग्ज़ाम से क्लैश कर रही है। जी हाँ, यदि आपने भी इस यूनिवर्सिटी में किया है अप्लाई तो वीडियो को देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का संबंध है राजस्थान के कोटा से। जी हाँ, और यूनिवर्सिटी का नाम है कोटा विश्वविद्यालय। यदि आपने भी कोटा विश्वविद्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है PhD के लिए और प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं, आ चुका है आपका रिजल्ट, आप भी जानते हैं। अब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आया है इंटरव्यू का नया शेड्यूल, साथ में एक नई लिस्ट आई है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, जिनकी संख्या है 29, यानी कि 29 बच्चों को और शामिल किया गया है इंटरव्यू की लिस्ट में। 10 नवंबर को आई है ये नई लिस्ट, उसकी बातचीत करेंगे। इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल भी आपको बताऊंगा, सब्जेक्ट के साथ टाइम और टाइमिंग के साथ। और एक बात मोटा मोटा सुन लीजिए कि 16 नवंबर को इंटरव्यू स्टार्ट होगा और 8 दिसंबर को इंटरव्यू ख़त्म होगा। 16 नवंबर को इंटरव्यू शुरू होगा, वीडियो देख रहे हैं आप 14 नवंबर को, यानी कि 24 घंटे के लगभग समय है आपके पास। और हाँ, इंटरव्यू देने के लिए जाना होगा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यानी के ऑफलाइन माध्यम से आपका होगा इंटरव्यू, यानी के साक्षात्कार। और साक्षात्कार के साथ साथ अपना सिनॉप्सिस बनाकर साथ लेकर जाइएगा, हाथ से लिखा हुआ सिनॉप्सिस मत ले जाइएगा, मतलब हैंड रिटन सिनॉप्सिस यानी कि रिसर्च प्रपोजल मान्य नहीं होगा, टाइप करवा के लेकर जाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। SOP मांगा गया है आपसे, या राइटअप मांगा गया है, सिनॉप्सिस मांगा गया है, रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है, शोध प्रस्ताव मांगा गया है, जो भी आपसे मांगा गया है, अपने अपने निजी विभागों से आप संपर्क जरूर कर लीजिएगा जाने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पूरा शेड्यूल तो बता ही देता हूं, लेकिन एक नई लिस्ट आई है 10 नवंबर को, उसके अनुसार 29 बच्चों को और शामिल किया गया है इंटरव्यू की लिस्ट में। यह इसमें से 3 बच्चे हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के और 4 बच्चे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इसके अलावा 6 बच्चे हैं ज्योग्राफी विभाग के, हिंदी विभाग से 2 बच्चे हैं, हिस्ट्री विभाग से 5, मैनेजमेंट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स से 1-1 स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस से 2, पब्लिक एड, संस्कृत और जियोलॉजी से 1 बच्चा स्टूडेंट, यानी कि इन 29 बच्चों को और मौका दिया गया है इंटरव्यू के लिए। और इन सभी बच्चों का शेड्यूल क्या होगा उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब चलता हूं डिटेल में, पहले मैं आपको लिस्ट भी बता दूं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने बच्चों का चयन हुआ है। ABST करके एक सब्जेक्ट है जिसके अनुसार 64 बच्चों का चयन हुआ है, बॉटनी डिपार्टमेंट में लगभग 40 बच्चों का चयन हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 11 बच्चों का चयन हुआ है, केमिस्ट्री के अंतर्गत 21 बच्चों का चयन हुआ है, कंप्यूटर साइंस में 7 बच्चों का चयन हुआ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, 31 पेजेस की लिस्ट, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारा जो मोटिव है सीधा है इंटरव्यू का शेड्यूल, उसकी बात करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का शेड्यूल भी 4 पेज का है, आपको सारा लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर, उसको आप देख लीजिएगा। और हाँ, कॉल लेटर को अपना प्रिंटआउट है जरूर निकाल लीजिएगा, उसका एक कॉमन कॉल लेटर है वो आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। कुछ ज़रूरी बातें उसको सुन लीजिए, कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं इंटरव्यू के वक्त में। एक बात और बता दूँ सिनॉप्सिस के विषय में, सिनॉप्सिस हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, इसको लेकर नोटिफिकेशन में कोई लैंग्वेज का इशू या नियम नहीं दिया, इसीलिए अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा कि सिनॉप्सिस किस लैंग्वेज में बनाकर लेकर जाना है, हिंदी में या इंग्लिश में, या हिंदी इंग्लिश को मिक्स या बाइलिंगुअल कर सकते हैं, इसका कंसल्टेशन कर लीजिए। लेकिन कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने होंगे इंटरव्यू के वक्त में, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी आपके पास हो, BA MA की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, चाहे आपका BA हो, BCOM हो, BSc हो, MA हो, MSc हो या MCOM हो, इसके अलावा यदि आपने MPhil किया है तो MPhil की मार्कशीट, यदि आप नेट JRF सेट है उसका सर्टिफिकेट, और यदि आप कैटेगरी में आते हैं SC है, ST है, OBC है, EWS है, PH है या EWS है उसका सर्टिफिकेट, और यदि आप जॉब में हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग NOC भी, क्योंकि
कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो जॉब कैंडिडेट में है, टीचर्स फेलो है, उनके लिए एनओसी मांगा गया है गवर्नमेंट डिप्लॉय के लिए। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाने हैं। अब इंटरव्यू का शेड्यूल सुन लीजिए। 16 नवंबर सुबह 10:30 बजे, सीरियल नंबर 406 से लेकर 442 और सीरियल नंबर 443, इसको समझ लीजिए, सीरियल नंबर 406 से लेकर 442, सब्जेक्ट है हिंदी। 16 नवंबर सुबह 10:30 बजे, सब्जेक्ट है हिंदी, सीरियल नंबर 406 से लेकर 482। हिंदी के बच्चों का इंटरव्यू 2 दिन है, 1 दिन और है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। 16 नवंबर को ही सुबह 10:30 बजे से इंग्लिश के बच्चों का इंटरव्यू है, सीरियल नंबर 238 से लेकर 264। 17 नवंबर 10:30 बजे, सीरियल नंबर 482 से लेकर 546, सब्जेक्ट है हिंदी, समय है 10:30 बजे। 17 नवंबर सब्जेक्ट है जियोलॉजी, सीरियल नंबर 997 से लेकर 1022, समय 10:30 बजे और सब्जेक्ट है आपका जियोलॉजी PhD। 18 नवंबर को संस्कृत का इंटरव्यू है, सीरियल नंबर 941 से लेकर 974, समय लगभग सभी का 10:30 बजे से है, और यदि सेकंड शिफ्ट में भी है तो समय आपका 1:30 बजे से होगा, ठीक है। होम साइंस 18, संस्कृत का भी 18 नवंबर को है, होम साइंस 18 नवंबर और समय 10:30 बजे। उर्दू 20 नवंबर, 19 को कोई पेपर नहीं, इंटरव्यू नहीं है, 20 नवंबर, और 20 नवंबर से ही UGC नेट की परीक्षाएं चालू है। अब 20 नवंबर को जिसका पेपर होगा, हो सकता है अब आपको नेट देना है या उर्दू का, ये आपको तय करना है। उर्दू का इंटरव्यू 20 नवंबर और म्यूजिक 20 नवंबर, हिस्ट्री 22 नवंबर, 21 नवंबर का संडे है, कोई इंटरव्यू नहीं है। 20 नवंबर को उर्दू का और म्यूजिक का, 22 नवंबर को हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का इंटरव्यू है, 23 नवंबर हिस्ट्री का एक इंटरव्यू है और 23 को ही मैनेजमेंट का भी है, ठीक है। मैं फिर से कुछ रिपीट कर देता हूँ, 20 नवंबर उर्दू म्यूजिक, 22 नवंबर हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, 23 नवंबर हिस्ट्री मैनेजमेंट, हिस्ट्री में क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं, सीरियल नंबर अपना देख लीजिएगा, मैं लिस्ट आपको दे दूंगा, मैनेजमेंट 23 नवंबर, 24 को पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू है, केवल संख्या ज़्यादा है पॉलिटिकल साइंस के बच्चों की, इसलिए 24 को केवल पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का इंटरव्यू है, 25 को भी पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का ही इंटरव्यू है, 26 नवंबर केमिस्ट्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरव्यू है, 27 नवंबर ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, याद रखिएगा। 29 नवंबर एजुकेशन और ई ए एफ एम और एजुकेशन, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है, 29 नवंबर को इनका इंटरव्यू है PhD का। 30 नवंबर फिजिकल एजुकेशन का इंटरव्यू है और लॉ का इंटरव्यू है। 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को इंटरव्यू नहीं है किसी का भी, सीधा आते हैं 3 दिसंबर को, और UGC नेट में भी 2 दिसंबर को कोई एग्जाम नहीं है, 3 को है, ठीक है। फिजिक्स और बॉटनी 3 दिसंबर, मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस 4 दिसंबर, ज्योग्राफी और सोशोलॉजी 6 दिसंबर, 5 दिसंबर को इंटरव्यू नहीं है, 7 दिसंबर को भी ज्योग्राफी का इंटरव्यू है, 7 दिसंबर ABST और 8 दिसंबर ABST। यह सभी सब्जेक्ट के इंटरव्यू का शेड्यूल है जो मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा आप देख लीजिएगा, और अपना हाँ एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी साथ लेकर जाइएगा, यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो उसकी कॉपी साथ लेकर जाइएगा, यदि एग्जामटेड है उसका प्रूफ साथ लेकर जाइएगा, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा, पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर जाइएगा, सबसे ज़रूरी चीज़ रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस और SOP, शोध प्रस्ताव, राइटअप, सबका एक ही मतलब है, एक ही नाम है, इसको भी टाइप करके बनाकर लेकर जाइएगा, आपके पास सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, क्वालिफाई भी, लेकिन सिनॉप्सिस नहीं है, इंटरव्यू नहीं होगा। एक और कॉमन बात, इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में ही होगा, शेड्यूल आपको बता दिया है, चेंज नहीं होगा, नई लिस्ट भी आपको दे दूंगा जिसमें 29 बच्चों को शामिल किया गया है, और जिनमें 31 पेज की लिस्ट भी आपको दे दूंगा जिसमें सभी विभाग के बच्चों का चयन जो कि हुआ है उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1122 बच्चों की सूची है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, और यही थी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की, और इंटरव्यू की डेट UGC नेट से कर रही हैं क्लैश, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक और वीडियो आएगा इसके बाद, उसके अंदर भी UGC नेट से उसकी डेट क्लैश कर रही है, यूनिवर्सिटी होगी तीसरी, क्योंकि मैंने आपसे 12 की बात की थी, अभी शुरुआत है, अगले वीडियो का वेट करिएगा किसी और सूचना के साथ और यूनिवर्सिटी की, और हाँ कुछ वीडियो स्कॉलरशिप के भी मिलेंगे आपको इसी महीने मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, परिवार के पास रहिए,
पुस्तक के पास रहिए, प्रकृति और पुस्तकालय दोनों की इज्जत आदर और सम्मान कीजिए। इतना देंगी ये दोनों चीज़ें आपको कि संभले नहीं संभलेगा, और जो भी ये देती हैं उसके लिए आपसे पैसा, रेंट, उम्मीद कुछ नहीं लेती है, केवल देना आता है प्रकृति और पुस्तकों को, मानव हो या प्राणी हो। धन्यवाद। जय हिंद।